उदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा भवन मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और इसके मौके पर योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी हैं और बताया जा रहा है कि सोनीपत से उम्मीदवार भी हो सकते हैं, खुद योगेश्वर दत्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश्वर जी, हरियाणा भवन आप पहुंचे हो, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री साहब पहुंचे हैं, इस मुलाकात का क्या वजह है? देखिए भाई, मेरी वो मुलाकात नहीं थी, मेरे को तो अभी पता लगा था कि वैसे मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे वो कोई भी वो नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको क्या जिम्मेवारी देते हैं, तो वो उनको ही पता है, उनके बारे में वो ये चीज़ें बता सकते हैं। हम तो वैसे किसी काम और भी बता सकते हैं, क्योंकि और मुख्यमंत्री से मिलने की बात है तो इनसे मुलाकात हमारी होती रहती है, कोई ये नहीं है कि हरियाणा भवन में यहीं आगे मुलाकात हो। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, क्या लोगों का जिस तरीके से माइंड सेट है वो भी बदलेगा? देखिए, माइंड सेट तो पहले लोगों का बड़ा अच्छा था, लगातार दूसरी बार सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी जो छवि पूरे हरियाणा में बढ़ी है कि वह बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चों को नौकरी दी है मेरिट के आधार पे, ईमानदारी वाली छवि थी, तो छवि तो बड़ी ईमानदार वाली है। और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है किसको क्या कब क्या जिम्मेवारी देते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो नए मुख्यमंत्री जी जो बने हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नारायण सिंह सैनी जी को, और उनकी भी छवि एक बड़े ईमानदार और सरल व्यक्तित्व की वो छवि है। तो हम चाहते हैं कि जो आप 9 साल तक जो हरियाणा में काम हुए हैं तो उनको और गति मिले। लेकिन योगेश्वर दत्त का नाम जो है सोनीपत सीट से खबरों में चल रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है? अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है, क्या बखूबी निभाने के लिए आप तैयार हैं? खबर वाले आप हो, चलाने वाले आप हो, तो इसकी कितनी सच्चाई है कितनी ये मेरे को नहीं पता, पर मैं एक बात जानते हैं कि भाई हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी काम करेगा, जो भी फैसला करेगा, सब उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। विपक्ष चेहरे को लेकर सवाल जो है वो जरूर खड़े कर रहा है, तो इस बार लक्ष्य क्या होगा हरियाणा की अगर बात करें तो? हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी में डालेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद, तो यहाँ इस बार भी पूरा पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और विधानसभा में तीसरी बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपका क्या लक्ष्य है, लोकसभा चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना? आपका तो कुछ लक्ष्य होगा ना? हमारा लक्ष्य देश सेवा करना है, वो हम करने लग रहे हैं, पहले भी किसी खेल के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे योगेश्वर दत्त, जिन्होंने खास बातचीत की दिल्ली से कमल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।